दोस्तों आप सभी का एक न्यू वीडियो पर स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप WhatsApp पर किसी के भी कॉन्टैक्ट को डिलीट कर सकते हो, किस तरह से आप WhatsApp से किसी के भी कॉन्टैक्ट नंबर को डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप WhatsApp से किसी के भी कॉन्टैक्ट को डिलीट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखें। इस वीडियो में आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि किस तरह से आपको WhatsApp से कॉन्टैक्ट नंबर को डिलीट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल पर न्यू आ रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों WhatsApp से किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको WhatsApp को ओपन करना है। तो चलिए मैं अपने WhatsApp को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने WhatsApp को ओपन कर लिया है। तो इसी तरह से सबसे पहले आपको WhatsApp को ओपन कर लेना है, और WhatsApp को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपको चैट वाला सेक्शन यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको मैसेज का लोगो यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर मैसेज वाले लोगो पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको क्लिक कर देना है, और जैसे आप मैसेज वाले लोगो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे आपके WhatsApp पर जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आपने जितना भी नंबर सेव करके रखा होगा, आपको सारा नंबर यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपको किसी के भी नंबर को किस तरह से डिलीट करना है, तो दोस्तों नंबर को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, आप जिस भी नंबर को डिलीट करना चाहते हो सबसे पहले आपको नंबर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से कोई भी नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर आपको नंबर को डिलीट करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इस वाले नंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको इसी नंबर को डिलीट करके दिखाता हूँ। तो आप जिस भी नंबर को डिलीट करना चाहते हो इस तरह से आपको नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नंबर पर क्लिक कर दिया है। तो इसी तरह से आप जिस भी नंबर को डिलीट करना चाहते हो आपको नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको क्लिक कर देना है, और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आपने WhatsApp पर जितना भी चैट किया होगा आपको सारा चैट यहाँ पर दिख जाएगा। तो दोस्तों आपको नंबर को डिलीट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे ऊपर में आपको एक 3 डॉट दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको क्लिक कर देना है, और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर में आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू कॉन्टैक्ट का, यहाँ पर आप देख पाओगे। तो आपको यहाँ पर व्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको क्लिक कर देना है, और जैसे आप व्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह से प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे ऊपर में आपको एक 3 डॉट दिखेगा, यहाँ पर आप देख पाओगे। आपको यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे मैं आपको यहाँ पर एरो करके दिखा रहा हूँ। तो आपको इसी जगह यहाँ पर 3 डॉट दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे मेरे फोन के स्क्रीन पर। तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको क्लिक कर देना है, और जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू इन एड्रेस बुक, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर व्यू इन एड्रेस बुक पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको क्लिक कर देना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों यहीं से आपको नंबर को डिलीट करना है। तो दोस्तों आपको नंबर को डिलीट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे ऊपर में आपको एक 3 डॉट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख पाओगे। तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको क्लिक कर देना है, और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट का, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपको फिर से नीचे ऑप्शन मिलेगा डिलीट का, फिर से आपको डिलीट पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको क्लिक कर देना है, और जैसे आप डिलीट पर क्लिक करोगे तो आपने जिस भी कॉन्टैक्ट नंबर को डिलीट किया होगा आपका वो कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको लाइव डिलीट करके दिखा दिया है। तो दोस्तों यही तरीका था, इसी तरह से आप WhatsApp से किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर को डिलीट कर सकते हो। मैंने आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखा दिया है कि किस तरह से आप WhatsApp पर किसी का भी नंबर को डिलीट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू आ रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ऐसे ही हेल्पफुल कॉन्टेंट मिलता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते रहो एक नई वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।